नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। फाजिल्का को हरा भरा बनाने की मुहिम जारी है। बीएसएफ की 52 बटालियन द्वारा समाज सेवी विक्रम आहूजा के साथ मिलकर इस मुहिम की शुरुआत की गई है। फाजिल्का के गांव करनी खेड़ा के नजदीक वन विभाग की जगह पर आज पौधारोपण किया जा रहा है। नानक बगीची लगाकर इस जगह को साफ सुथरा व हरा भरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। समाज सेवी विक्रम आहूजा द्वारा नानक बगीची स्थापना करके फाजिल्का में कई जगहों पर ऐसे क्षेत्रों को हरा भरा किया है जहां पर काफी गंदगी थी। आज यह क्षेत्र काफी साफ सुथरे व हरे भरे नजर आते हैं। उसी प्रकार से गांव करनी खेड़ा के समीप भी सड़क के साथ जहां पर गंदगी पड़ी थी उसे साफ करके यहां पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। नानक बगीची लगाई जा रही है। समाज सेवी विक्रम आहूजा द्वारा लगातार फाजिल्का को हरा भरा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस मुहिम की शुरुआत बीएसएफ के साथ मिलकर की गई है। बीएसएफ की 52 बटालियन द्वारा विक्रम आहूजा के साथ मिलकर इस जगह को साफ किया गया। इसके साथ ही यहां पर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है जहां पर 600 के करीब पौधे लगाए जाएंगे। इस जगह को साफ सुथरा बनाया जाएगा। फाजिल्का की बॉर्डर रोड के सौंदर्यकरण के लिए लगातार बीएसएफ द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अब उन्हें साथ मिला है समाज सेवी विक्रम आहूजा का, जिनके प्रयासों से आज इस मुहिम की शुरुआत कर दी गई है। आपको लाइक और दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। किस तरह के अभियान की शुरुआत की गई इन बारे जानकारी? असी साडा अभियान 2019 तू चल रहा है। असी ग्रीनरी कर रहे हैं, असी प्लांट्स लगा रहे हैं। पिछले साल साढ़े प्लांट बाबा नानक दे 550 साल दे नूं दर्शांदे हुए असी नानक बगीचियां दा नाम दिता उन्होंने। एंड बैकग्राउंड यह है जी कि सस्टेनेबिलिटी लई 23% ग्रीनरी चाहिए है, ग्रीन कवर चाहिए है। अनफॉर्चुनेटली पंजाब का ग्रीन कवर सिर्फ 3.5% है, तो फाजिल्का का ग्रीन कवर सिर्फ 2.5% है, जो कि सस्टेनेबिलिटी लैवल तो बहुत घट है। आइए आप ये समझ सकते हैं कि जिन्ने लोग इस एरिया जी रहे हैं उन्होंने फेफड़े काम नहीं कर रहे। इस प्रोजेक्ट नू प्लान करते हुए असी पिछले साल 5 जगह डेंस फॉरेस्टेशन की थी, जो कि मियावाकी कॉन्सेप्ट जैपनीज कॉन्सेप्ट की ट्रेनिंग के अंतर्गत है। मेरी टीम मैंबर सारा तुसी नेड़े आओ, मेरे टीम मैंबर जो इस ते ट्रेनिंग लेके आए कि मियावाकी वे नाल असी फॉरेस्ट लगाने हैं। मियावाकी वे जैपनीज है, जैपनीज वैज्ञानिक सी जिन्हें प्लान किया सी। वो कहिंदा सी कि पेड़ां नू इस तरह लाओ कि पेड़ एक दूजे नाल बोलन, पेड़ एक दूजे की मदद कर। सो तुसी असी उस कॉन्सेप्ट ते बड़े संघने पेड़ लगाए पिछले साल। असी पिछले साल 5 जगह किते, 2 किते डीसी मॉडल स्कूल के नाल, एक किता सैशन कोर्ट, एक आर्मी कंटोनमेंट 67 इन्फेंट्री ब्रिगेड, एक करनी खेड़ा रोड पर। उन्हों का रिस्पोंस इन्ना अच्छा आया कि 10 साल साड़ी जो मोर्टैलिटी रेट थी वो सिर्फ 5% सी, यानी कि 5% बूटे मरे तो 95% चल गए। उतों इनकरेज होकर असी इस साल नवे प्रोजेक्ट लगाने का प्लान किया है। ये साडा इस साल का तीसरा प्रोजेक्ट है। 2 प्रोजेक्ट बीएसएफ दे नाल मिलके कैंपस के अंदर लगाए ने। तीसरा प्रोजेक्ट साड़ी बीएसएफ मदद कर रहे हैं। ये जो कि बॉर्डर रोड है, नैशनल हाईवे 7, फाजिल्का आन जान वाला हर कोई बंदा या जो भी टूरिस्ट आते हैं, ये सरना शहर की इंपॉर्टेंट रोड है और जिनके साइड पर गंद बचा हुआ है। इस गंद को साफ करते हुए असी बीएसएफ नाल मिलके इत्थे प्लांट्स लगा रहे हैं। साड़ी ट्रस्ट है ज्वालाबाई नथुराम आहूजा ट्रस्ट, जो कि ये ग्रीनरी के सारे प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर रही है। इस सिर्फ पेड़ या पौधे ही नहीं लगाए जाते, बल्कि उन्होंने उस तो बाद संभाल भी की जाती है जब तक वो पेड़ पौधे अपने आप चलन योग नहीं हो जाते। मियावाकी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत असी होर ध्यान किया है। असी सारे वो स्पीशीज लगा रहे हैं जो कि साउथ वेस्ट पंजाब यानी कि मालवा एरिया के स्पीशीज ने, जो कि हौली हौली खत्म होते जा रहे थे। जिस तरह निम्मा, बकैन,
टिकोमा, अर्जुन, जंडी, तूत, जामन, बिगन बेल, टाली, ये सारे ओ प्लांट ने जो कि अपने एरिया, अपनी मिट्टी ते अपनी हाई पीएच वैल्यू वाले पानी मिट्टी नू भी एक्सेप्ट करते हैं। सो ये जो तुसी देख रहे हो ये 33 वैरायटीज ने जिन्हां च तुसी चुन चुन के संघने बूटे लगा रहे हैं, और ये सारिया वो वैरायटीज ने जो अपने एरिया नू माफिक आंदियां ने, और पुरानिया वैरायटीज नू जो बुजुर्गों के टाइम दियाँ चलिया आ रही हैं। इस वैरायटी जिथे जिवें असी लगाए, पिछली बारी लगाए, एक कनाल जगह नॉर्मली तुसी 10 या 20 बूटे लगाओगे, असी कनाल जगह 550 बूटा लगाया, और मैं दसदे खुशी हो रही है 550 बूटा इस टाइम सरवाइव कर रहा है, और 8-8, 10-10 फुट का हो चुका। मैं शहर वासी ते एरिया वाले नू अपील करांगा, तुसी भी अपने हर महल्ले दे घर दे कॉर्नर ते भी चाहे छोटा जा नानक बगीची लगा सकते, असी उन्दे च तुहाडा साथ देंगे, तुहानू सपोर्ट करांगे, गाइड करांगे, और जे किसी जगह प्लांटेशन की जरूरत असी आके कर भी देंगे, लेकिन सानू असी दा मतलब साडी ट्रस्ट ज्वालाबाई नथुराम आहूजा ट्रस्ट, पर सानू उत्थे तुहाडी सपोर्ट ये चाहिदी होएगी कि उत्थे तुसी उन्हें मेनटेन साढ़े नाल मिलकर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। किन्ने पौधे अज इत्थे लगाए गए ने इन बारे भी जानकारी दिओ। ओके, आ जो जगह है ये इन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह है नैशनल हाईवे के उपर, ये जगह करीबन 1400 फीट लंबी है और ये इस तरह 30 फुट चौड़ी है। इस जगह सा इस जगह का टारगेट साढ़ा 700 बूटे लगाना है। इस तू पिछे सेम नाले दे नाल जगह है, वह भी 1000 फीट है, तकरीबन 30 फुट चौड़ी है, जिथे तुसी देख रहे हो जगह जगह प्लास्टिक कचरा गंद सट्टिया होया सी, असी उन्हूं साफ करन दी कोशिश कीती है। 500 बूटा उत्थे लग जाएगा, और साडी इह कोशिश है कि 1200 दा 1200 बूटा जदों सरवाइव कर गया, एक साल च वड्डा हो गया, तो जो भी लोग बॉर्डर ते जाणगे वो एक अच्छे उन्होंने एक जंगल विच्चों निकलते हुए की फीलिंग होएगी। साडा इह प्रयास है नाल नाल दे पिंडां नूं इन्हां बूटियां दा 1200 पेड़ इन्नी साफ हवा देंगे कि पिंडां दा वातावरण साफ हो जाएगा। थैंक यू सर। किस तरह का प्रोजेक्ट इतने शुरुआत की गई है इन्हें बारे दसो। सतिकाल जी, मैं ये वाला प्रोजेक्ट जो अच्छ DSF नाल ज्वालाबाई नथुराम आहूजा पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि मिल के इस पहुँच कर रहे हैं, ट्रस्ट डिपार्टमेंट लग्या है, जो ये जगह है ट्रस्ट डिपार्टमेंट की है, तो ये DSF से ज्वालाबाई नथुराम आहूजा ट्रस्ट वालों मिल के जो कि इतने बूटे लगाए जा रहे हैं। इस तो पहला जेडे कि विक्रम सर दस चुके हैं कि असी 5 जगह पर लाए थे, असी सब तो पहला ये जिया व्यापी तकनीक सीखने वास्ते गए थे, मैं और मेरे 3 मेंबर टीम हो रही थी, असी लुधियाना तो जाके यदि ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग लैके आए थे, क्योंकि ये वाले बूटे जो लाने असी जो मियाँ भी तकनीक ना लाने तो असी पहला उन्होंने क्लॉ मार के डूंगी करके जमीन 3-3 फट तो उन्होंने पटते हैं, उस तो उन्हें चरूड़ी पाने और एक जीव अमृत तैयार करते हैं जिन्हें नाल कि डुबो के बूटे लाने, तो नानक बगीची के तौर पर लाने असं उन गुड़ पाने, असं गुड़ पा के गुड़ की मिट्टी पैंती है 2 किलो, उस 2 किलो बेसन पाने ते और 20 किलो यानी कि 20 लीटर का गौमूत्र लैने और 20 लीटर ही गोबर पा के जी जीव अमृत तैयार करते हैं। उन्हें की है कि उन्हों एक हफ्ता चलता उन घोल में हिलाते रहने, और एक हफ्ता उन्हें की है पूरा लिक्विड तैयार हो जाता है, तो उन्हें की है कि जरा पौधे के एंटीबैक्टीरिया कोई भी उन्होंने बीमारी या कोई भी उन्होंने तत्व है उसकी ग्रोथ बदन के बहुत ज़्यादा सहाई होंगे। प्रेरणा कितों मिली जी तुहानू इस तरह के काम करन दी या पौधे नू बचाने की, किस तरह प्रेरणा तुहाडे अंदर आई? प्रेरणा इस तरह कि पिछले 2-3 साल की देखिए कि जितनी गर्मी हुण पै रही है, इन्नी पहला गर्मी कभी नहीं देखी सी, ना ही साढ़े बजुर्गों ने सुनी सी, 45-48 डिग्री तक टैंपरेचर जा चुका फाजिलका का, तो इको एक ही चीज़ नज़रिया दसिया सानू कि दरख्तों नाल, तो दरख्तों नाल हरिया हो सकता है, तो असी दरख्तों वास्ते उतों सीख के आए, एक नानक बगीची लाई सानू उतों उत्साह मिले, दूजा ला दी, तीजी असी सानू कोड़ दे विचों जाके लाई, तो जो पौधे चले सानू इन्ना खुशी महसूस होंदी है कि वो अज पौधे जिहड़े पिछले साल असी लाए सी साडी हाइट तो भी, मैं हाथ भी खड़ा करा तो मेरे इस तो भी उपर जा चुके हैं, जो नानक बगीची का नाम दिंदे ना जिस बूटे नू वो ऐटोमैटिक चल रहा है, वो बाबे नानक के नाम से ही चल रहा है जी। तुसी फील्ड विच रहे कि बाबा नानक की जो
प्रक्रिया है जो कुदरती उन्हें खेती की कुदरती बूटे असी ला रहे हैं तो इन्हें की कि समाज का भला हो क्योंकि जिते बूटे असी ला रहे हैं किसी भी बाग के कोलों तुम शाम लंघोगे तो तुम्हें एक ठंडक महसूस मिलेगी। जो माँ के कोल बच्चा जाता तो उन्हें ठंड मिलती है, उस तरह जो पौधे के कोल दी असी लंघा तो अपन ठंडक मिलती है। सर एक चीज़ दसो, तुम फील्ड के रहने हो तो किस तरह की समस्या कोई अज तक पेश आई इस काम को करन च लोगों वालों या विरोध किया गया हो या तुम क्यों लगा रहे हो या कुछ इस तरह का कोई गल? सर लोग कहते हैं कि जिहड़ी भी जगह सानू मिलती है जी उत्थे बहुत ज़्यादा गंद हुंदा तो सानू लोग आके मखौल करते हैं यार कित्थे मत्था मारी जांदे हो, इत्थे कुछ नहीं हो सकता। परंतु उही लोग अज सानू शाबाश दे रहे हैं कि जी बहुत वधिया कर रहे हो तुसीं, इह बहुत वधिया कीता क्योंकि उत्थे सानू जो पहला लान लगे सी ना उत्थे बहुत ज़्यादा गंद सीगा ते कहिंदे सी इत्थे पौधे चल नहीं सकते, परंतु बाबा नानक की मेहर नाल ओह चल। जी सर क्या कहेंगे आज जो इस पौधारोपण अभियान की जो शुरुआत की गई है नानक बगीची के तरह ही इसको लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए क्लीन भारत और ग्रीन भारत के तहत 52 बटालियन दी है सर ने, क्लीन फाजिलका और ग्रीन फाजिलका का मुहिम चलाया है। इसके तहत सबसे पहले अभी 3-4 दिन पहले तक हम लोगों ने अपने बटालियन और सराउंडिंग एरिया में करीबन 3,000 पौधे लगाए। इस क्रम में अभी जो बॉर्डर रोड जो फाजिलका से जाती है सादगी के लिए, इसमें जो भी रोड के साथ जो इलाका है जिसमें कि जो किसान या सरपंच तैयार हो रहे हैं इलाके को फेंस लगा करके उसको पानी सिंचाई देने के लिए उसको तैयार हो रहे हैं, उस इलाके में हम लोग क्या पौधे लगा रहे हैं उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर करीबन 600 पौधा लगाने का हमने बीड़ा उठाया है और ये आज सुबह करीबन 8 बजे से ये शुरू हुआ। मेन एम ये है कि फाजिलका को ग्रीन और क्लीन का। जय जय। सर ये इसमें आपके साथ विक्रम आहूजा जी भी साथ दे रहे हैं तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उनके द्वारा नानक बगीचियों की स्थापना की जा रही है इसके इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये नानक बगीचा जो कि एक मियाबा की प्रोसेस है, ये मिस्टर विक्रम आहूजा ने 3-4 नानक बगीचा जो कि मियाबा की प्रोसेस है इन्होंने लगाया है फाजिलका, उस क्रम में 2 हम लोगों ने बटालियन हेडक्वार्टर में भी अभी शुरू किया है। उस तक ये जो आप अभी जहाँ पर आप खड़े हैं इस इलाके में भी इन्होंने किया है और ये बहुत ही अच्छा मुहिम है। सबसे ज़्यादा क्या नज़दीक पौधे लगते हैं और इसमें ये जो है एक जंगल सा हो जाता है और 2 साल बाद इसको मेंटेनेंस फ्री हो जाता है और क्योंकि मेंटेनेंस इसको मेंटेन करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये जो प्रोसेस है इसके तहत मेंटेनेंस फ्री हो जाता है। सिर्फ हमें 1 से 1.5 साल के आसपास इसको हमने खाली मेंटेन करना है। बहुत अच्छा प्रोसेस है और ये फाजिलका में स्टार्ट हुआ करीबन 6 से 7 बन चुका है, 2 हम कैंपस में बना रहे हैं और ये आपके सामने करीबन 8 से 10 बन जाएंगे।